My question is for Surya Kumar. जी. Surya sir, मुझे पता चला है कि आपने बाजीगर फिल्म बहुत बार देखी है और वैसे ही मैं भी शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हूँ. तो वो तो पता नहीं कब हाथ आएंगे. क्या आप मेरे साथ बाजीगर फिल्म के सॉन्ग पे डांस करेंगे? सही बात, बाजीगर बहुत बार देखी है. देखिए बहुत बार. साफ सुथरी क्लियर पिक्चर है, समझ नहीं कितनी बार क्यों देखी. And if possible, वो आउटफिट हो सकता है अरेंज? Yeah, yeah, why not? I will arrange everything. I will arrange kajol also. Demand बढ़ती जा रही है. प्यार है आप लोगों का. आपने नाम ही नहीं बताया अपना. यशा. हाँ जी. हेलो. क्या नाम है आपका? यशा. यशा. Yeah. यशा. Hello. बड़ा प्यारा नाम है आपका यशा. चलो आउटफिट भी रेडी है. ये क्या है? ओ वाह वाह. ये पहन के तो बाबूराव वाला भी कर सकता है. लो जी आज सूर्य कुमार आपको ऐसे. हाँ ये पहनाओ, ये पहनाओ. दिखा, दिखना भी तो चाहिए. इसको बांधते कैसे हैं? आगे तनी बांध दे ऐसे ऐसे. नहीं ये तो खाना बनवा रहे हैं. ओह सॉरी. अरे दिख रहा है, दिख रहा है. वाओ सूर्य, यू लुकिंग डैशिंग मैन. वो क्या बोल रही है? शाहरुख नहीं पहनता इसे. तो हैट भी पहनना है. इसमें बताओ कौन सा बाजीगर लग रहा हूँ. बस जादूगर लग रहा. ओके तो शाहरुख खान कम बाबूराव ज्यादा लग रहा है. शाहरुख की तरह. ये तो मैं ऐसे भाग के आप. जी सूर्य के लिए जोरदार तालियां. थैंक यू यशा, शुक्रिया. ये उतार दीजिए. थैंक यू यशा. थैंक यू, थैंक यू. और कोई हमारे दोस्त? जी सर. हाँ जी कपिल पाजी. जय बाबा खेतरपाल जी दी. जय हो जी. जय हो. रणदीप गिल रिंदी. अच्छा अमृतसर से. क्या हाल पाजी? ठीक हो? गुड. ते थोड़े भतीजे सूफी सिंगर गिल ब्रदर्स. ये तीनों आपके बेटे हैं? हाँ. वाह. कल इनको छत्रपति शिवाजी अवार्ड से सम्मान किया गया. वाओ कांग्रेचुलेशन. यहाँ पर सूफी अवार्ड मिला इनको. तो ये आपके भतीजे, आपको कुछ सुनाना चाहते हैं इनका रिसेंटली? हाँ प्लीज प्लीज. फैमिली बड़ी खूबसूरत लग रही, प्यारी लग रही है. जो क्या सुना रहे बेटा? अच्छा रेसल भी हुई है. वाह. मेरी नेट जा रही है सफालिया. दीवानी होगी सोने यार दी. हाय दीवानी होगी सोने यार दी. दिलो मैनू भी अपने मिटा लिया. दिलो मैनू भी अपने मिटा लिया. दीवानी होगी सोने यार दी. हाय दीवानी होगी सोने यार दी. अख मेरी नेट जा रही है सफालिया. क्या बात है. वाओ वेरी ब्यूटीफुल. कांग्रेचुलेशंस बेटा. और ऐसे ही रियाज करते रहो और अच्छा अच्छा गाओ और अपने शहर का माँ बाप का नाम रोशन करो. वेरी गुड. ओह माय गॉड, कितने बड़े बड़े लोग आए हैं. तुम लोग वेले ही बैठे रहना. अच्छा सा म्यूजिक बजाओ कोई. वाओ जी नमस्ते, कैसे हैं आप? हेलो जी. भाभी इनसे बैंड क्यों बजवा रही हो? आपके दोस्त हैं ना, आईपीएस तो है नहीं, बैंड वाले हैं ना, तो वही बजवाऊंगी. इतना भड़क क्यों रही है मेरे दोस्तों? मैं क्यों ना भड़कू कप्पू शर्मा? लड़के वाले आके बैठ गए, मेरे को मजाल है, किसी ने आवाज भी दी हो. कौन लड़के वाले? अच्छा इन तीनों के साथ लूडो खेल रहे थे. यही है वो लड़के वाले. हेलो जी नमस्ते. मैं एक बात बोलूं? हाँ. मेरे को इतने क्यूट लग रहे हैं ना पार्थिक जी.
તમે હું કહું છે કે તમે બધું ક્યુટનેસ એક હી જગ્યામાં બેઠે હોય હે ઓ માય ગોડ મતલબ આપ ક્રિકેટ કી દુનિયા કે તૈમૂર હો અભી ભી એસે ઇતની સચ મે આપ ચાહે બડે હો ગયે હો લેકિન ફેસ આપકા એકદમ ઇતને છોટે સે બચ્ચે જૈસા હૈ જિસકો ના દેખતે મેરા દિલ કર રહા આજા મમ્મા પાસ લેકિન આપકો એક બાત બોલું અભી ભી ઇતને ક્યુટ લગ રહે હો એસે લગ રહા કે નાની માં કે ઘર ના છુટ્ટિયા બિતાને આયે લેકિન ગ્રાઉન્ડ મે જાતે ના બડે બડો કો નાની યાદ દિલાતે હે વો તો ઠીક હે નાની દાદી મુજે કુછ નહીં લેકિન ના તેવર જી મેરે કો ના દાળ મે કુછ કાલા લગ રહા હે ક્યું પહેલે 83 વર્લ્ડ કપ વાલે આયે હા ફિર ના વિમન ક્રિકેટ ટીમ વાલે આ ગયે હા અબ યે આયે મેરે કો લગ રહા હે સિદ્ધુ પાજી ભેજ રહે હે કે જાકે દેખો સબ ઠીક ચલ રહા હે કે નહીં तो तुझे क्या लगता है क्रिकेट छोड़ के ये सब करने आएंगे सिद्धू पाजी के कहने पे करोड़ों की बोली लगती है जब खेलते तो बोली करोड़ों की होती है हाँ तो मैंने ऐसे इतनी बोलियां वेस्ट कर दी चलो कर देते हैं बारी पर सी कटने गया सी कट के ले आंदे ताले बारी पर सी कटने गया कट के ले आंदे ताले देखो आ गए मैं लड़के वाले देखो आ गए मैं लड़के वाले लड़के लड़के वाले वाले लाइए दीपक जी 1 करोड़ रुपया दे दो मुझे एक तो ना ये पता नहीं क्या इनको बीमारी पड़ी सबके सब ग्रस्त से 1-1 करोड़ मांगते हैं ये लॉलीपॉप है ये लॉलीपॉप नहीं 1 करोड़ मैं बस दीपक की शादी करवा दूं ये बंदा मुझे खुद ही 1 करोड़ रुपया दे देगा तो दीपक का रिश्ता आप क्यों कराओगी भाभी वो मेरे से ना इस बंदे का अकेलापन नहीं देखा जाता मैं इसकी बहन का साथ दूंगी आप टेंशन मत लो मैं आ गई हूँ मैंने देखा है जब विराट कोहली सेंचुरी मारता है तो ऐसे फ्लाइंग किस फेंकता है अनुष्का ऐसे कैच कर लेती है ये भी सेंचुरी मारते हैं ये फ्लाइंग किस ऐसे फेंकते हैं इनकी कहीं लैंड ही नहीं होती तो मैं चाहती हूँ दीपक जी वो जो आपकी फ्लाइंग किस है ना वो मेरी बहन भूरी उसके हाथों में कैच हो भूरी के लिए लड़का नहीं कोई अच्छा डॉक्टर देखो तुम लोग देवर जी ऐसे भाभी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ क्या जब दोनों टीम मैच खेलने के लिए तैयार हो ना तो डकवर्थ लुईस नहीं बनते वाह तो दीपक जी फिर मैं रिश्ता पक्का समझू हाँ कहती लड़के ने भाभी तूने भूरी की शादी क्रिकेटर से क्यों करानी अभी अच्छा जब शर्मिला टैगोर जी ने पड़ोदी जी के साथ शादी की थी आपने पूछा विराट की अनुष्का से हुई थी आपने पूछा फिर मेरी बुईरी के बीच में स्यापा क्यों डाल रहे हो कहां अनुष्का कहां तेरी बहन घरेलू अनुष्का बड़े होठों वाली बड़े होठों वाली अनुष्का के पिंपल भी निकल आए तो डॉक्टर के पास जाती है तेरी बहन आज भी थूक लगा के ठीक कर लेती है एक मिनट सूर्य जी अपना पट पीछे करना पट पीछे सूर्य जी देखो आधी रात को अगर आपको गैस हो जाए फिर कोई डॉक्टर काम नहीं आता देसी नुस्खे ही काम आते हैं आपको पता है मेरी बहन ना अजवाइन से भी ज्यादा मतलब काम आने वाली है एक बार दीपक जी आप शादी कर लो सारी उम्र उसने आपको गैस नहीं होने देनी हाँ जी सच्ची कह रही हूँ जैसे अनुष्का और विराट की जोड़ी बहुत हिट है ना वैसे आप दोनों की भी हो जाएगी दीपक भूरी विराट अनुष्का जो अच्छी लगती है अनुष्का इनका लगता है डबूरी मतलब खट्टे आटे के किसी ने भटूरे बनाए हो केवल जी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आप ना 3 बंदों के सामने मेरी बहन की बेइज्जती करते हो फिर ना मेरे को गुस्सा आ गया ना तो भाड़ में जाए हेड भाड़ में जाए तेल मैंने चलते शो में उठा के ले जाना पार्थिक पटेल एक तो भूरी भी ना किधर मर गई भूरी जब भी लड़के वाले आए तो मैं कह चुके मारो भूरी टाइम पर नती आवे छे बुला लेते हैं हाँ भूरी आवानु छे भूरी बस 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 ये मेरी बहन भूरी है ऐसे खड़ी हो गई तेरे जेठ जी बैठे हुए अब
ये देखिए पटेल साहब, सूर्य जी आके पैरी पौना कर दो फटाफट। ये भूरी आज इतनी बड़ी कैसे हुई? आलू की बोरी लग रही जैसे। इतनी बड़ी कैसे हो गई ये? अरे कैसी बड़ी, होंठों से नहीं लग रहा क्या मैं भूरी? लग रही है ना? इसकी शादी करा दे भाभी इसकी, ये एक पनौती निकले पर सपना का तो मैंने पार्लर तोड़वा ही देना है। कौन पार्लर तोड़ने के बारे में कौन बोला? कभी मेरा पार्लर तोड़ने का बात मत करना इधर। ए सपना तू? हाँ? तो मेरी बहन भूरी किधर है? अरे बहुत प्रॉब्लम हो गया, कल क्या हुआ, नाला सोपर स्टेशन पे ना मैं और भूरी बैठ के जुआ खेल रहे थे तो पुलिस आई और उसको उठा के ले गई, ऐसा हो गया। तो वो पकड़ी गई, तुम क्यों नहीं पकड़ी गई फिर? क्योंकि मैं बहुत शैनी है, जब पुलिस वाले आए ना मैं घबरा के, मैंने बोला नहीं मैं लेडीज है, तुम लोग मेरे को हाथ नहीं लगा सकती। फिर उन लोगों ने लेडीज पुलिस भेजी तो मैं मुंह धो के आ गई। ऐसे रे कोई टेंशन नहीं, एक काम करे मैं उसकी जगह पे आई ली, आप लोग मेरे को बयान दे दो और पोजीशन उससे ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए सपना तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन भूरी की जगह लेने की? ए तेरी भूरी कौन सी एंजेलिना जोली है बे, उसकी जगह ले ली मैं? ये तो शुक्र मना मैं आई ली है, वरना डुक्कर पे घूंघट डाल के भेजने वाली थी मैं इधर। आप ना सुनो, आपके साथ हो रहा है रिश्ता, डुक्कर कह रहे लड़की को आप हंसी जा रहे हो लड़की। कोई नहीं कोई नहीं, तेरी हिम्मत कैसी हुई डुकरी मेरी बहन को डुक्कर कहने की? कैसे कंपैरिजन कर दिया तूने डुक्कर के साथ? कंपैरिजन मेरे डुक्कर तेरी बहन से ज्यादा क्यूट है समझी? और मेरे बारे में तो ज्यादा बकवास करना मत, तू मेरे को जानती नहीं तो आज भी नाला सुपारा में बंठन के निकलती है ना, 80 साल के पोपले बुड्ढों की भी सीटी निकल जाती है। बकवास कर रही है? सीटियां नहीं, नाले में से डुक्कर निकलते, कहते मम्मा आ गए मम्मा आ गए। मेरे धंधे की बात मत करना तू, वरना तेरी बुआ को बोल के तेरा फूफा सुझा डालेगी मैं, समझी? अच्छा बकवास कर रही है, शर्म नहीं आती तुम दोनों को यहाँ पे झगड़ा करते हो लोगों के सामने? अच्छा ठीक, हाय कैसे दीदी, बहुत अच्छी लग रही है नहीं तू तो। अरे यार कितना सूट किधर से लिया आपने? मैं बाजार से, आओ ना मेरे पास, तेरी क्यों नहीं हुई? मैंने अच्छी बात की, कोई हंसा? कोई हंसा नहीं ना, मेरे को झगड़ा ही करने दे। ए छत्तीसगढ़ की छतरी, देखा झगड़े पे क्या रिस्पॉन्स आता है ना, इतना मस्त रहते हैं। नहीं मेरे को मालूम है इसका, ये सही बोल दे, क्या सोचता है इधर बहुत क्लासी लोग आते हैं ना तो ऐसी कैसे बातें करते हैं? कप्पू देख, हाँ। इधर कोई कोलाबा से आए चाहे बांद्रा से आए, सबके अंदर ना एक नाला सोपारा छुपेला रहता है, ऐसा रहता है। इसलिए जय नाला सोपारा। चुप बोलो पंजाब जिंदाबाद, नाला सोपारा जिंदाबाद। देखो तुम्हारा नाला सुपारा जिंदाबाद है, इससे हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तारा सिंह जिंदाबाद, पंजाब जिंदाबाद, सन्नी देओल जिंदाबाद, नाना पाटेकर जिंदाबाद, मेरा विरार का गोविंदा जिंदाबाद। बढ़िया यहाँ पे। देख तू ज्यादा बकवास मत कर वरना तुझे पकड़ के ना तेरी मक्की की रोटी और सरसों का साग कर दूंगी। हाँ तू भी बड़े जैसी दिखती है, पाँव में डाल के ना मिर्ची के साथ खा जाएगी तेरे को। बात कर रही है, ज्यादा जबान मत चला मेरे साथ, मैं तेरा भंगड़ा करके ना ऊपर खड़े होकर बल्ले बल्ले करूंगी। हाँ फिर मैं भी तेरा झिंग 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 झिंगा करवा लूंगा, तेरे को पता चलेगा। ये क्या है? बच्चा यादव जी कहाँ हो? मैं तेरे को, अरे बाल ठीक कर ले, पाल घर की भूतनी लग रही है तू। तूने मेरे पे हाथ उठाया, तेरे को शर्म नहीं आती? 11 बच्चों की माँ हूँ, अब देखना 11 बच्चों को ना ऐसा मैं माँ की दाल खिला के ना 12 डाइपर उनके गीले करके तेरे मुंह पे मारूंगी। यही क्या, लेकिन रिश्ता पक्का समझू ना मैं? हाँ कह दी लड़के ने। चलिए जी मैं जाती हूँ, और तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आप डरो मत, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, सहम ही गए।
किसने मुझे मारा? चल चल। हो गया तुम दोनों का ना, तुम भी निकलो चलो। ऐसा कभी बोलना मत मेरे को निकलो। तुम भी जाओ। नहीं जाएगी। सेट मैक्स से सूर्यवंशम और सोनी टीवी से सपना को कोई नहीं निकाल सकता। सही बोले जी मैं। अभी गेस्ट लोग आए, बात करने दो मेरे को। और सूर्या जी कैसे? ये क्या कर रही है? अरे सूर्या को यही नमस्कार लगता है मेरे को मालूम है। हाय दीपक जी, कैसे आप? अच्छा मेरे को ना आप नाला सोपारा में लगेंगे जरा, क्लब के बाहर। ये क्यों लगेंगे? उधर कहना कप्पू बहुत प्रॉब्लम है, उधर जो बाउंसर लोग है ना हाँ। वो मेरे को क्लब में अंदर जाने नहीं देते तो? और मैंने सुना ये बहुत अच्छा बाउंसर मारते है। तो मेरे को लगेंगे। खैर हाय, कैसे आप? बढ़िया एकदम। बहुत क्यूटी लगते है ना ये भी। अरे शादीशुदा है। हाँ तो क्या हुआ उसमें? सर मेरे को ना आप भी नाला सोपारा में लगेंगे एज बॉयफ्रेंड। क्यों? मैं बोल रहा हूँ शादीशुदा है वो। हाँ तो क्या हुआ, मैं भी मुकेश को धोखा दे रही है ना। तो ये भी धोखा दे देंगे, क्या प्रॉब्लम है सर इसमें? नहीं देना धोखा मुझे। एक्स्ट्रा इनिंग्स नाम की भी कोई चीज होती है? कब तक टेस्ट मैच खेलूं? नाला सुपारा में 2020 हो जाए सर। अब टेस्ट खेल ही नहीं रहा, 2020 खेल रहा। सच्ची में आप मेरे को अगर एज अ बॉयफ्रेंड हेल्प करेंगे ना, मैं भी आपकी मदद करेगी सर। मैं बहुत कमाल का मसाज करती हूँ। हाँ सच्ची में मैं दिखा सामने मेनू तो बताओ। हाँ दिखा रही है मैं। हाय सर, हमारे इधर मसाज पार्लर है तो अलग अलग टाइप का मसाज करती है मैं। तो हमारे पास एक मसाज है दीपक मसाज। इसमें क्या है? उसमें क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर के कपड़े उतार के उस पर बॉडी पे सरसों का तेल लगाते हैं तो फिर एक रूई की जो ऐसी बाती रहती है ना उसके साथ मुंह में डाल देते हैं और फिर रगड़ रगड़ के तब तक मसाज करते हैं जब तक वो दिया आग नहीं पकड़ लेते। ऐसा रे। फिर हमारा फ्री हिट मसाज भी है। इसमें क्या है? इसमें क्या करते हैं, कस्टमर के ऐसी ऐसी जगह पर हम लोग हिट करते हैं कि जब तक वो हमारे साथ फ्री ना हो जाए। ऐसे रहते हैं। फिर सर हमारा कोई बात नहीं, मैं कर देगी बाद में, ऐसा कोई टेंशन नहीं। वैसे रे सलमान भाई भी आए थे ना, उनका मैंने ठीक किया था ऐसा। फिर हमारा सर वो मसाज है पटेल मसाज। इसमें क्या है? इसमें वेरी सिंपल, इसमें हम तेल से नहीं पटेल से मसाज करते हैं। ऐसा शॉर्ट एंड स्वीट रहता है। अरे कप्पू मैं तो भूल गया, मेरे को जाना था। क्या? वो ना आपका वो थर्ड एम्पायर आया है उसका ना छक्का थक गया, उसकी मसाज कर। मैं चलती, बाय बाय। एक बार हमारे तीनों प्लेयर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए।